Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Al Yusuf, math and Chinese. Aaj hum chapter number 3 class 10 from start karenge exercise 3.1. Isse pehle inki 3 definitions hai, ratio, proportion aur derivation. Ratio kya hai? A relationship between two quantities of same kind. Theek hai, do quantities same kind wali, rupees rupees ho, gram gram ho, ठीक है ना, किलोग्राम किलोग्राम हो, एक जगह मिनट हो, एक जगह हमारे पास आवर्स हो, आप आवर्स को मिनट में चेंज कर लेंगे, मिनट को आवर्स में, इक्वल क्वांटिटी हो जाए, सेम क्वांटिटीज हो जाए हमारे पास, रेशियो क्या हो जाएगा, सेम. सेम क्वांटिटीज हो, ग्राम होगा तो ग्राम में होगा, रुपीस है तो रुपीस, दोनों वैल्यूज टू वैल्यूज रुपीस में, ठीक है. प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शन स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन इक्विवेलेंस ऑफ द रेशियो. हमारे पास दो गए फोर वैल्यूज है, प्रोपोर्शन तो जाएंगे फोर वैल्यूज हो जाएंगे, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, ये हमारे पास आ जाएगी इसमें प्रोपोर्शन. हम इसे और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी. वेरिएशन, वेरिएशन हमारे पास टू टाइप्स होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन आर क्वांटिटी वन इज इंक्रीज एंड also other is increase, a quantity in which one quantity is decrease and other quantities also decrease, ye hamare paas hoga direct variation. Indirect variation, a quantities in which one value is decrease and other value is increase. This is statement one, indirect variation in which one value is increase and other values are decrease. एक increase हो जाए, दूसरी decrease हो जाए. When value is increase and other value is decrease. One value is decrease and other value is increase. एक opposite हो जाए. Direct में क्या हो जाएगा? One value is increase, other value is also increase. One value decrease, other value also decrease. अब हम exercise number 3.1 स्टार्ट करेंगे. आप पेज ओपन करें अपनी बुक का, 54, पेज नंबर 54. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशियो, ए रेशियो बी एंड एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोअर फॉर्म. हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन पार्ट, रुपीस के हमारे पास 750 रुपीस एंड 1250. अब हमने इनका क्या रेशियो फॉर्म में चेंज कर दिया, इस फॉर्म में रेशियो फॉर्म में रुपीस लिख दे तो अच्छी बात है, दिस इज बेस्ट. 750 रेशियो 12, जीरो जीरो से कैंसिल हो गया, 750 रेशियो 125, फाइव से फाइव वन जा फाइव, फाइव फाइव जा 25 हो गया, फाइव टू जा 10, फाइव आ गया, ठीक है. अब फिर दोबारा फाइव थ्री फाइव फाइव, ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट. अब हम इसे और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, थ्री ओवर वन, ये हमारे पास आंसर आ गया. पार्ट टू, 450 सेंटीमीटर 3 मीटर. पार्ट टू, 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर.
अब हमने सेम रेशियो मैंने बताया था, वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, या इस मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज कर दो मीटर में, हम मीटर को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब 3 मीटर है, 3 मीटर इज इक्वल टू 3 × 100, 300 सेंटीमीटर दीजिए। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आपके आगे सेम होंगे। अब 450:300, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 450:30। ठीक है, 5 की टेबल में 5 9 5 6, ठीक है। अब 3 की टेबल में 3 3 9, 3 2 6, 3/2 हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, 20 IV, क्वेश्चन IV, 20 minutes 30 seconds, 27 minutes and 30 seconds, 1 hour. सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे दो कन्वर्सेशन हमने करनी है। पहले आप इस मिनट को चेंज कर देंगे सेकंड में। अब हमारे पास क्या, 1 minute is equal to 60 seconds, ठीक है। हमारे पास क्या 27 minute is equal to 60 × 27, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, 20 60 × 27, 16 20 आ गया, 16 20 आ गया। अब ये 30 इसमें प्लस कर दें, प्लस ये वाले 30 सेकेंड, 1650। ये हमारे पास एक कन्वर्सेशन आ गई, ये हमारे पास क्या आया सेकंड, 1650। ये हमारे पास है 1 आवर्स, 1 आवर्स किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, 1 60 मिनट। और हमारे पास 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 सेकंड के, 60 × 60 = सेकेंड। हमारे पास ये आंसर आ गया इसका, कितना, 3600 सेकेंड, 1 आवर्स का, 3600। चलिए अब ये जीरो कैंसिल, 1650:360, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, अब ये 50 पे भी डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं, 165/15, 15 पे 11, 24। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11/24, ये हमारे पास है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन ए क्लास 60 स्टूडेंट 25
five students are girls and remaining students are boys. Compare the ratio of boys and girls. Question number two का first part. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास total student 16. In a class of 60 students, 25 students are girls. 25 students के girls. अब boys कितने होंगे? इसमें से हम minus कर देंगे. ठीक है. 5, 4, 4 में से 2 गया. 10 में से 5 गया ये. 35 हमारे पास के आ गए बॉयज आ गए. अब वो कहता है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट. बॉयज और टोटल स्टूडेंट में हमारे पास रेशियो हमने फाइंड करना है बॉयज और टोटल स्टूडेंट की. यहां बॉयज रेशियो टी स्टैंड फॉर टोटल स्टूडेंट्स. बॉयज और टोटल स्टूडेंट में हमने रेशियो फाइंड करनी है. बॉयज कितने हमारे पास 35 और टोटल स्टूडेंट क्या है हमारे पास 60. अब इसे 5 की टेबल में ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 5, 7 और आ जाएगा ये 5 12 5 60 12 आ गया. ठीक है. अब ये क्या बन जाए 7/12. दूसरे पार्ट क्या कहता है बॉयज टू गर्ल्स. बॉयज टू गर्ल्स इधर बॉयज लिखेंगे इधर गर्ल्स. गर्ल्स हमारे पास बॉयज कितने आए 35. हाउ मैनी गर्ल्स 25. 7 की टेबल 5 की टेबल 5 7 5 5 25. ये हमारे पास आ गया बॉयज एंड गर्ल्स. पहला पार्ट बॉयज फाइंड करना था, दूसरे में हमने बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड कर दिए. क्लियर. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. इफ 3, 4, x-5 or 5 टोटल मल्टीप्लाई 3 = 2x-7 5. फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई. क्वेश्चन नंबर 3. ऊपर वाली स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं 3 4x-5y and 2x-7y. 2x-7y. Find the ratio x ratio y. Find x ratio y. हमने find करना. इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर देना 3 को इस वैल्यू के साथ. 3 4 12x-5 15y = 2x-7y. क्लियर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो मेथड यूज करेंगे वो है x वाली वैल्यू एक साइड पे एंड y वाली वैल्यू दूसरी साइड पे. तो ये 12x-2x = -7+15y. 12 - 2 10x = 8y.
अब वाई इधर आ जाएगा, एक्स टेन इधर चला जाएगा, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 8/10। टू की टेबल में 2, 4, 2, 5, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 4/5। अब हम इसे रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, एक्स रेशियो वाई एंड 4:5। यार फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे फॉर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इफ द रेशियो ऑफ 2p+5, क्वेश्चन नंबर 4, 2p+5 रेशियो 3p+4 एंड इज इक्वल टू 3:4। पी के हमारे पास अननोन, पी की वैल्यू हमने क्या करनी है अभी फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या यूज करेंगे हम लोग, उसी तरीके से जैसे हमने पहले मेथड किया था, 2p+5/3+4, 2p+5, 2p+5/3p+4 इज इक्वल टू 3/4। अब हम क्लास मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई एंड 3 दिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। 4 2p+5 इज इक्वल टू 3 3p+4। क्लियर? नो मल्टीप्लाई 4 एंड नो मल्टीप्लाई 3। 4 2 8p+4 5 20 इज इक्वल टू 3 3 9p+3 4 12। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, p को इस साइड पे लेंगे और 20 को इस साइड पे मूव कर देंगे, 8p-9p and 12-20। 9 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस पी 1 बच गया, 20 में से 12 करेंगे माइनस 8, माइनस माइनस कैंसल, पी इज इक्वल टू 8। अब पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। क्वेश्चन नंबर ये हमने किया था 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रेशियो 3x+1 6x+4x एंड 2:5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम इसमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 3x+1 6x+4x इज इक्वल टू, आर इक्वल है हमारे पास 2:5। 3x+1/6+4x 2/5, नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 दिस एंड 2 दिस, 3x+1 इज इक्वल टू 2 6+4x, 5 3 15x+5 1 5, 2 6 12 2 4 8, 8x ठीक करेंगे मेरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 15x-8x एंड
12 माइनस 5, 15 में से 8 कट करेंगे 7, इधर 7, अब 7 को पिक करेंगे, इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 7 और 7 x इज इक्वल टू 1, x 1 जा 7, 1 जा 7, 7 1 जा 7, 1 इसका वैल्यू। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 53, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8, इफ 9 इज एडिड, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ये एक्सरसाइज 2.8 में स्टेटमेंट वाले, इस तरह हम इसकी क्या बनाएंगे इक्वेशंस, या add to each numbers we get a new ratio 8:11, find the numbers। अब हमारे पास इसके according to the given conditions, question number के हमारे पास ये 6, 9 according to the given conditions, no according to the given conditions, 5x plus 9 over 8x plus 9 and further ratio हमारे पास क्या बनी है उसकी 8:11, 8:11 ये हमारे पास आगे statement, cross multiplication 11 5x plus 9 and 8x plus 9, 11 5s are 55x plus 99 and 8 8s are 64, 8 8s are 64 plus 78, 9s are 72, 55x minus 64x, 72 minus 99, clear, at 4 and 5, minus 55, 9 again, either 99 minus 99 minus 72 64 में से 55 कट करेंगे हमारे माइनस 9x आ जाएगा, 99 में से 72 कट करेंगे तो 27 आ जाएगा, माइनस माइनस कट x इज इक्वल टू 27, x is equal to 27 over 9, 27 over 9, 9 की टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, x is equal to, the value of x is equal to 23, find the number, number हमारे पास क्या आ गया 3, अब सो द रिक्वायर्ड हमारे पास क्या था 5x, ये हमने इससे हम अपने फाइंड करना है दो कंडीशंस में, पहले ये x इज इक्वल टू 3, 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 15, 15 आ गया, दूसरा हमारे पास सिचुएशन क्या है 8x, x इज इक्वल टू 3, 8x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3, 8x इज इक्वल टू 24, अब हमारे पास नंबर क्या आ गया 15 एंड 24, ये हमारे पास नंबर हमने
फाइंड कर ली। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ओपन करें। इफ 10 इज एडेड टू ईच नंबर ऑफ द रेशियो 4:13 वी गेट ए न्यू रेशियो 1:2 व्हाट आर द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के अगेन पढ़े। इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर, 10 इज एडेड इन ईच नंबर तो रेशियो क्या बन जाती है इसकी? 4x+10 होगा। इसके बाद फर्दर क्या है वो? If 9 is, we get a new ratio, if 4:13 बन जाएगी। Each ratio क्या करते हैं? 4:13 बन जाएगी। 13x+10। हमारे पास new ratio क्या बन रही है इसकी? 1/2। 1/2। 1/2। 4x+10। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग दोबारा अकॉर्डिंग टू ए गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू ए गिवन कंडीशंस तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 13x+10 वन मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 2 2 2 4 2 4 8 8x+2 2 10 20 13x+10 13 1 13x+10 1 10 अब 8x-13x एंड 10-20 5x=-10 माइनस माइनस कैंसिल 5x=10 x=10/5 x=2 ये हमारे पास है। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका? वही चीज जो हमने फाइंड की थी के प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x=4। अब 4x=4×2=8 ये क्या हमारे पास x ऐसे बना दी सी। ठीक है, प्लस 4। ठीक है, x आ गया। अब 13x=2×26 ये हमारे पास दो वैल्यू निकल आई 13 6। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यू निकल आई। एक x की वैल्यू 2 आ गई, फिर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 13 2 26। क्लियर। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट 250। क्वेश्चन इसका 8।
कि हमारे पास क्या फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg, ठीक है, इसे हम क्या बनाएंगे, प्रोपोर्शनल 8 kg रेशियो 5 kg प्रोपोर्शनल्स एक्स रेशियो 250, ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास सारे के सारे ये केजीज के अंदर है और ये चीज आ गया कि हमारे पास ये वेट हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, रुपीज हो गया, ठीक है। इसके साथ अगर हम लिखना चाहें तो एक्स टू फिफ्टी, अब हम करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, पहले एक्सट्रीम से इंड, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ ये हमारे पास मीन दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स, क्लियर। टू फिफ्टी मल्टीप्लाई 8 2000, ये हमारे पास क्या आ गया 2000, ये हमारे पास क्या आ गया 5x। अब इस 5 को उठा के हम इसको नीचे ले आएंगे, x इज इक्वल टू 2000 ओवर 5, 5 × 5, 5 × 4, x इज इक्वल टू 400 रुपीज हमारे पास आंसर, ठीक है। नोटिस कीजिए, अगर हमारे चैनल अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, गुड लक एंड बेस्ट विशेस।